तो ये है गाइस थिएटर बगेटला। एंड यू नो बेस्ट पार्ट ये है इस फूड ट्रक का गाइस कि सारे रीजनेबल प्राइस में है, लेस देन 40 PLN अंदर जा रही है। इसी लेन में हमें अंदर जाकर कुछ 5 to 7 minutes वॉक करने हैं। फ्रेंड्स आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग टुडे। एंड आज मैं आपको ले जाऊंगी फूड ट्रक के पास। यहाँ पे एक फूड ट्रक है जो थिएटर बगेटला में है, तो मैं थिएटर बगेटला तक ट्रैम से आ गई और दिखाती हूँ आपको फूड ट्रक जो जहाँ पे काफ़ी सारे फूड ट्रक हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड के, तो ले चलते हैं आज वहाँ पे और वॉक करके हमको हम पहुँच जाएंगे फूड ट्रक स्टॉल के पास। लेट्स गो गाइस। आज सुबह से वेदर काफ़ी अच्छा था, मीन्स थोड़ा क्लाउडी था। दो दिन तक सनी डे था लास्ट 2 days, एंड 2 days के बाद फिर से आज क्लाउडी वेदर था। सुबह से हवाएं चल रही है, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो मैंने हुडी पहन लिया है। और हम लोग अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 7:30, एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं फूड ट्रक के पास और खाने वाले हैं कुछ अच्छा। तो मैंने अभी तक बहुत सारे फूड ट्रक को एक्सप्लोर किया है, उसमें से मुझे ये वाला फूड ट्रक बेस्ट लगा गाइस। तो हम पहुंच गए हैं फूड ट्रक के पास। ये है इंडियन फूड, इंडियन के साथ साथ आपको यहाँ पे एशियन मैक्सिकन सारे फूड ट्रक्स हैं, तो आप जिस जो भी चाहो खा सकते हो। तो ये है गाइस हमारा इंडियन वाला, इंडियन स्ट्रीट फूड इन क्राको। सो आपको यहाँ पे रोल्स सारे मिल जाएंगे। फिर ये वाला जो है वो स्पाइस बार एशियन वाला है, तो हमने इंडियन से एक ऑर्डर किया चिकन टिक्का रोल, और एशियन से हमने एक ऑर्डर किया चिकन विद नूडल्स का। और ऑर्डर करने के बाद ये कुछ हमें इस तरह का दिए हैं दोनों के पास से कि जब उनका फूड रेडी हो जाएगा तो ये बीप साउंड आवाज़ करेगा और फिर हमें वहाँ पे से जाके अपना फूड को कलेक्ट करना है। और तब तक बाकी सारे देख लेते हैं फूड ट्रक्स और क्या क्या फूड ट्रक्स हैं। तो ये है आइसक्रीम का फूड ट्रक। आइसक्रीम तो मेरा फेवरेट है, वो तो कभी भी मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ। तो खाने के बाद इसको भी ज़रूर ट्राई टेस्ट किया करेंगे। और ये वाला जो फूड ट्रक है गाइस वो कॉफ़ी का है, एंड कॉफ़ी के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेचिनो एंड इस तरह के थोड़े चीज़ें मिल जाएंगे आपको। और आप प्राइस भी देख सकते हैं, सारा रीजनेबल प्राइस है। ये वाला जो है ये बर्गर वेराइटी का है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जो अगर आप चाहो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये वाला एक फूड ट्रक है जो मैक्सिकन है, तो मतलब आपको इसमें सालसा मिल जाएगा, नाचोस के साथ मिल जाएगा, टाकोस मिल जाएंगे वैरायटी ऑफ, तो जितने भी मैक्सिकन डिश होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड कुछ बीच में एक बार है गाइस जिसका नाम मूरल बार एंड फूड हॉल है, तो आपको इसके अंदर भी बहुत सारे ड्रिंक्स के ऑप्शंस हैं, लाइक वाइन, हॉट वाइन, रेड वाइन एंड बियर, ये बीर, ये सब सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो कोक वगैरह भी यहाँ पे है, तो बाहर से हम लोग फूड लेकर के फूड ट्रक से फूड लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठ के अच्छे से एंजॉय करते। तो ये इस बार का मेन्यू है गाइस, आप देख सकते हो। और इसमें भी सारे ड्रिंक्स जो भी हैं वो रीजनेबल प्राइस में, देखो मैंगो भी है, ग्रीन टी भी है, कोल्ड बेवरेजेस भी है, और पीछे में आपको वाइन के ऑप्शंस हैं, बीयर के ऑप्शन है, रेड वाइन्स है, बॉयल्ड बीयर है, तो वाइट वाइन्स है, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, सारा कुछ ऑप्शंस है। तो आप अपने हिसाब से ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो। और ये आ गया हमारा एशियन फूड जो कि हम काफ़ी यम्मी दिख रहा, और अब तो इसको खाए बिना रुक नहीं सकती हूँ। और दूसरा वाला जो इंडियन है चिकन टिक्का रोल, वो ये है गाइस जो काफ़ी यम्मी है, मैंने पहले भी इसको ट्राई किया है, तो इसको एंजॉय करते हैं। और इसके बाद हम अपना फेवरेट वाला आइसक्रीम, कुल्फी के बिना तो रह ही नहीं सकते, वो एंजॉय करने के बाद हम चलेंगे। सो गाइस द फूड वाज रियली यम्मी, इट रियली सेटिस्फाइड माय टेस्ट बड एंड कम्प्लीटली ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स गाइज की। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सेटिस्फाई योर टेस्ट बट देन डू विजिट दिस प्लेस, इंडियन यमी फूडीज फूड ट्रक इन थिएटर बगेतला क्राको। वेन एवर यू आर स्टेइंग इन क्राको यू कैन विजिट दिस एंड यू कैन सेटिस्फाई योर टेस्ट बड। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन स्टेइंग इन दिस क्राको देन प्लीज गो विजिट दिस प्लेस एंड डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन दैट हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ दिस फूड, बिकॉज आई टेस्टेड इट वॉज रियली अमेजिंग नाइस फूड।
So that's all for today, guys. I hope you like this video, and if you like this video, please hit the like button, share with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Till the time, bye bye, good night, good luck.